बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा था। उसे राजा बने लगभग 10 साल हो चुके थे। पहले कुछ साल तो उसे राज्य संभालने में कोई परेशानी नहीं हुई। फिर एक बार अकाल पड़ा। उस साल लगान न के बराबर आया। राजा को यही चिंता लगती रहती कि खर्चा कैसे घटाया जाए ताकि काम चल सके और भविष्य में फिर अकाल न पड़ जाए। उसे पड़ोसी राजाओं का भी डर रहने लगा कि कहीं हमला न कर दे। एक बार उसने कुछ मंत्रियों को उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते भी पकड़ा था। राजा को चिंता के कारण नींद नहीं आती थी, भूख भी नहीं लगती थी। शाही मेज पर सैकड़ों पकवान परोसे जाते, लेकिन वह 2-3 कौर से ज्यादा खा ही नहीं पाता। राजा अपने शाही बाग के मालिक को देखता था, जो बड़े स्वाद से प्याज व चटनी के साथ 7-8 मोटी मोटी रोटियां खा जाता था। जब राजा के राजगुरु ने ये सब देखा तो उन्होंने राजा से कहा, अगर तुमको नौकरी ज्यादा अच्छी लगती है तो मेरे यहां नौकरी कर लो। मैं तो ठहरा साधु, मैं आश्रम में ही रहूंगा, लेकिन इस राज्य को चलाने के लिए मुझे एक नौकर चाहिए। तुम पहले की तरह ही महल में रहोगे, गद्दी पे भी बैठोगे, शासन भी चलाओगे और यही तुम्हारी नौकरी होगी। राजा ने राजगुरु की बात मान ली और वह अपने काम को नौकरी की तरह करने लगा। फर्क कुछ नहीं था, काम वही था, लेकिन अब वह जिम्मेदारियों और चिंता से लदा नहीं था। कुछ महीनों बाद उसके गुरु आए। उन्होंने राजा से पूछा, कहो तुम्हारी भूख और नींद का क्या हाल है? राजा ने कहा, मालिक का भूख खूब लगती है और आराम से सोता भी हूं। तब गुरु ने राजा को समझाया, देखो सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन पहले तुमने जिस काम को बोझ की गठरी समझ के रखा था, अब सिर्फ उसे अपना कर्तव्य समझ रहे हो। हमें ये जीवन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मिला है, किसी चीज को अपने ऊपर बोझ के तरह लादने के लिए नहीं मिला है। काम कोई भी हो, चिंता उसे और ज्यादा कठिन बना देती है। जो भी काम करे उसे अपना कर्तव्य समझ कर ही करे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम न कुछ लेकर आए थे और न कुछ लेकर जाएंगे।